I would suggest you not to take this motorcycle on the highways. Why? Today's vlog is about answering the elephant in the room. So yes guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Nitish Niyo. What's up? Kaise ho? Kasa kai? And namaskara. Hegi dira. I'm quite sure ki aap log bahut hi badhiya kar rahe ho. And aaj mere peeche hai the beautiful Yamaha FZX. ऑरेंज कलर में है एंड हम लोग आज इसका वॉक अराउंड राइड रिव्यू नहीं करेंगे लेकिन आंसर करेंगे शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट व्हाई बिकॉज मुझे बहुत सारे पिंग्स आए थे ऑन इंस्टाग्राम शुड आई बाय दिस मोटरसाइकिल ऑरेंज कलर का एक रिव्यू बनाओ नहीं सेपरेट रिव्यू नहीं बनाएंगे सो इसका अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू द सब्सक्राइब बटन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड आंसर करते हैं आपके सारे क्वेश्चंस को सो गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाड़ी का जो प्राइसिंग है इट्स ऑलमोस्ट 1.2 लाख रुपीस एक्स शोरूम हियर इन पुणे एंड गाड़ी में आपको मिलते हैं तीन कलर्स दिस इज द ऑरेंज यू गेट अनदर वन ब्लू ब्लू इज वेरी वेरी स्टनिंग काफ़ी मतलब अलग से दिखता है काफ़ी मोटोक्रॉस आपको फीलिंग आता है फिर आता है ब्लैक जिसका मैंने रिव्यू किया था एंड आज हम रिव्यू नहीं कर रहे बट लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द मोटरसाइकिल एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द फ्रंट ऑन द फ्रंट यहाँ पे आपको मिलता है ब्लॉक पैटर्न टायर्स इसका एडवांटेज ये होता है कि आप इसको लेकर यू कैन टेक इट ऑन अ रोड ऑन अ हाईवे ऑन यू कैन टेक इट ऑन अ सॉफ्ट ऑफ रोड एंड यहाँ पे आपको मिलता है बाइब्रे के कैलिपर्स कैलिपर्स आर गुड बाइब्रे इज गुड बाइब्रे इज बाय ब्रेम्बो एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं फोर गेटर्स का एडवांटेज ये होता है कि डस्ट अंदर नहीं घुसेगा और डस्ट अंदर नहीं घुसता है तो फोर्क सील टूटने का चांसेस कम होता है एंड टूट भी गया तो बाहर उतना आसानी से निकलता नहीं है ऑयल एंड बहुत गंदगी नहीं होती है यहाँ पे ये जो सामने का फेंडर है जैसे मेटल फेंडर हियर इंडिकेटर्स जो है ना थोड़ा मुझे लेट डाउन लगे दिस कुड हैव बीन अ एलईडी इंडिकेटर बट यामाहा आल्सो प्रोवाइड्स द एक्सेसरीज फॉर एलईडी यू कैन बाय इट फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ सामने का जो हेडलाइट है दिस लुक्स स्टनिंग मुझे पसंद आया बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है बट लुक्स वेरी वेरी क्लासिक की दिस इज हाउ द मोटरसाइकिल लुक्स हियर एंड नाउ लुक लेट्स लुक एट दिस साइड यहाँ पे जो बैश प्लेट मिलता है ये भी मेटालिक बैश प्लेट है काफ़ी बढ़िया चीज़ है तो इंजन का प्रोडक्शन आपको यहाँ पे हो रहा है यू गेट द श्राउड्स जो है साइड के टैंक के दीज आर ऑल्सो ऑफ मेटल द टैंक इज मेटल एवरीथिंग इज मेटल ये पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं बोल सकता हूँ बिकॉज गाड़ी जो है आपको ज़्यादा मतलब यू नो विंटेज क्लासिक की फीलिंग आपको देगी एंड ये जो है दिस साइड पैनल इज अ प्लास्टिक वन अ फाइबर वन एंड पीछे का जो ग्रैब रेज है ये मेटल ग्रैब रेज है लोगों को ये पसंद नहीं आया लेकिन मुझे इट्स अ मिक्स एंड यू कैन टेक इट ऑफ निकाल के इसको आप स्क्रैम्बलर गाड़ी बना सकते हो ज़्यादा स्क्रैम्बलर आपको दिखेगा एंड पीछे आपको मिलता है टेल लाइट जो है एलईडी के टेल लाइट है एंड इंडिकेटर्स जो है हैलोजन के इंडिकेटर्स है जिसको आप अगेन आप रिप्लेस करवा सकते हो एंड हियर जो रियर व्हील है दिस इज अ 140/60 सेक्शन के आपको रेडियल 17R17 के मिलते हैं एंड ये भी ब्लॉक पैटर्न ही है एंड ये जो टायर है दिस इज गुड काफी मल्टीपर्पज है बट पॉइंट यानी थोड़ा मुझे स्लाइटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन लग रहा है बट बेस्ट एडवांटेज ये है कि कीचड़ ऊपर नहीं उछलेगा दट्स अ गुड थिंग एंड दोनों इट्स अ डुअल डिस्क लेकिन इट्स अ सिंगल चैनल ABS एंड आई थिंक फॉर दिस मच ऑफ पावर सिंगल चैनल ABS इज प्रीटी डिसेंट इनफैक्ट एंड अभी हम बात करते हैं मतलब टैंक जो मैंने आपको बताया टैंक इज गुड लेकिन टैंक का साइज़ जो है 10 लीटर्स का टैंक साइज़ है तो टैंक कैपेसिटी जो है आप मतलब मैसिव नहीं बोल सकता हूँ बट इट इज़ प्रीटी डिसेंट इट कुड हैव बीन 13 अगर 13 होता बिकॉज साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है यार इसका साइज़ इट्स बिग इट्स ह्यूज लेकिन ये जो साइज़ है इसके हिसाब से थोड़ा अंदर भी मतलब ज़्यादा फ्यूल बैठता तो काफ़ी बढ़िया हो जाता एंड लेट्स गो टुवर्ड्स इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज़ द फ्रंट कंसोल तो फ्रंट कंसोल जो है काफ़ी विजिबल है इट्स प्रीटी गुड एंड यहाँ पे आपको मिलता है टैकोमीटर यू गेट अ स्पीडोमीटर क्लॉक एंड ऐप में ना ऐप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो एंड ऐप में आपको मिलेगा कॉलिंग सम फंक्शन मिलता है आपको देन यू गेट चेक द SMS एज वेल सो ये सब चीज़ काफ़ी बढ़िया है ऐप में लेकिन ऐप को आप यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते हो सो यू हैव टू कंट्रोल थ्रू फोन ओनली बट यू कैन एक्चुअली यू नो द एडवांटेजेस दैट यू कैन गेट टू नो कि क्या यहाँ पे हो रहा है एंड बाकी सब कुछ चीज़ें जो है विजिबल है इट्स अ प्रीटी गुड स्क्रीन आई कैन सी एंड अब जैसे अंधेरे में जाते हो तो कलर ब्लू हो जाता है इसका काफ़ी बढ़िया चीज़ है अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया है एंड द फिट एंड फिनिश इज सुपर्ब कुछ लोगों ने मतलब FZ में लोगों ने कंप्लेन किया था कि टैंक के बारे में जो है यहाँ पे गैप्स हैं एंड ऑल लेकिन कुछ भी नहीं है इस बाइक में FZX में कुछ गैप्स नहीं है बिल्ड क्वालिटी इज़ मस्क्यूलर वेरी गुड दिस इज़ अ फाइबर वन एंड जो टैंक होज है साइड में शिफ्ट किया है थोड़ा अपाचे का आपको फीलिंग याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से बट द बेस्ट थिंग ऑफ दिस टैंक इज दैट यू कैन एक्चुअली फिट द टैंक बैग ऑन दिस वन एंड जो एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया दैट इज़ दिस वन सो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है इन्होंने सॉकेट में आपको सॉकेट में वो जो कार का चार्जर होता है वो डाल के फिर आप चार्जिंग करो सो यहाँ पे आप यू कैन पुट द हैंडल मोबाइल होल्डर
तो हैंडल के ऊपर आप माउंट कर सकते हो करके उसको चार्ज करो, विच इज अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम यामाहा। एंड एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने लास्ट FZX में जो था उसमें मैंने देखा था, उसमें कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे ये लूज लग रहा है, बट आई थिंक दैट इज हाउ दे हैव डिजाइन इट प्रॉब्ली। अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ करते तो खड्डे वड्डे में ना टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चाहिए, तो शायद प्रॉब्ली इज द रीजन वाई इट इज़ अ लिटल यू नो शेकी इज वॉट आई फील। सो दैट इज मुझे ऐसा लग रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द होल मोटरसाइकिल क्वालिटी इज फिट एंड फिनिश इज सुपर्ब। ये बात करते हैं, हम चलते हैं टुवर्ड्स द एग्जॉस्ट नोड ऑफ द बाइक। सो गाइस, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो वॉक अराउंड में आपको बताया कि मुझे क्या लगता है और क्या नहीं लगता है, बट पॉइंट ये कि राइड में मुझे क्या लग रहा है, मतलब शुड यू बाई इट और नॉट व्हेन यू राइड, वो भी आपको एक फीलिंग बता देता हूँ, वो भी एक एहसास आपको दे ही देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द राइड नाउ। आप तो उन्होंने रिव्यू देख लिया है, लेकिन जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं, शुड यू बाई दिस और नॉट। सो जैसे मैंने आपको रिव्यू में बताया था, गाड़ी का जो पिकअप है वो काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लो एंड एंड मिड रेंज का जो पंच है काफ़ी ज़बरदस्त है इसमें। पॉइंट ये है कि जब आप टॉप एंड पे जाते हो तब जाके आपको लगता है कि यार कुछ मिसिंग है, दैट इज़ अ स्पीड। तो गाड़ी की जो टॉप एंड स्पीड पे होती है वो टाइम पे आपको लगता है कि यार थोड़ा और स्पीड होना चाहिए था, बट अगेन ये जो बाइक का जो डिज़ाइन किया गया है इट इज़ मोस्टली फॉर अ कम्यूटर यूसेज, मतलब आप सिटी में जा रहे हो काफ़ी बढ़िया है, एंड सिटी में जाने के लिए ही इन्होंने इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है। हाईवे के लिए आप कभी कभार यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू टेक दिस मोटरसाइकिल ऑन द हाईवेज। वाई? आपको ना एक पॉइंट पे आपको फटीक हिट करता है अगर गाड़ी सेम स्पीड में अगर भाग रही है। यस, यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल ऑल डे 80-90 किलोमीटर पर आर। आप देखे जा सकते हो बहुत सारे लोग जो है इस बाइक को लेकर लॉन्ग राइड पे जाते हैं, काफ़ी कंफर्टेबली राइड करते हैं। पीपल हैव टेकन दिस मोटरसाइकिल, नॉट दिस मोटरसाइकिल, दिस इंजन टू लद्दाख। बट पॉइंट ये है कि यस दे हैव टेकन इट, बट वुड इट बी कम्फर्टेबल लुकिंग एट द अदर ऑप्शन? नो, आई वुड नॉट से, बिकॉज टॉप एंड इज वेयर इट मिसेस ऑन। बट हाउएवर दिस मोटरसाइकिल इज वेरी मच रिफाइंड, मैं आपको बोल सकता हूँ, बिकॉज जो टॉप एंड, अब मतलब गाड़ी जब आप खींचते हो अराउंड यू नो 7000 RPM के आसपास जब गाड़ी निकलती है, 8000 पे देख रहे हो आप, 8000 पे पहुँच रही गाड़ी, तो वो टाइम पे आपको लगता है कि यार गाड़ी पे ना बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। बट ये है कि गाड़ी का जो वाइब्रेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हैंडल बार्स पे देर आर नो वाइब्रेशन एट ऑल, वेयर एज ऑन द फुट पेक्स जब आप टॉप एंड पे रहते हो 8000 RPM के आसपास आप जब जाते हो वो टाइम पे आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फीलिंग आती है पैर में। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। एंड आपको बताना था गाड़ी के सस्पेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पॉट ऑन किया गया है फॉर द सिटी यूजेज। अगर आप हाईवे में जा रहे हो तो उसके लिए भी डिज़ाइन किया गया है, बिकॉज सस्पेंशन इज ऑन द मिड साइड। जो कॉम्प्रेशन और रिबाउंड हो रही है आपको जो डिज़ाइन किया दिया जा रहा है सस्पेंशन का, दैट इज़ स्पॉट ऑन। अगर आप छोटे मोटे खड्डों में जाते हो तो सस्पेंशन आराम से काम कर देती है, बट इफ़ यू गोइंग इन टू वेरी डीप खड्डे तो वो टाइम पे ना आपको लगना शुरू होता है कि यार थोड़ा हार्ड है सस्पेंशन। बट वही है कि डीप खड्डों में आप सिटी में बहुत कम जाते हो, मतलब सिटी में यार कहाँ स्पीड कहाँ जाते हो यार आप, मतलब आई डोंट थिंक यू विल बी राइडिंग मोर देन 50 किलोमीटर्स पर आर। सो इफ यू आर गोइंग एट दैट स्पीड तो आप कोई भी खड्डों से आप आसानी से मनूवर कर सकते हो, तो ये आपको बता सकता हूँ। एंड जो मेरे पैर है ना काफ़ी कम्फर्टेबली ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे टच हो जाते हैं, एंड सीट जो है उतना ज़्यादा हाइट भी नहीं है। अगर आपकी हाइट 5'5" भी है आप आराम से चला सकते हो इस बाइक को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप 5'5" से थोड़ा कम पे हो थोड़ा आपको पैर पहुंचाने पे दिक्कत हो सकती है, बट वही यार इट्स ऑल अबाउट अ स्किल सेट, इट्स नेवर अबाउट द हाइट। आपकी स्किल्स कैसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैंने देखा है शॉर्ट राइडर्स को डूइंग फैंटास्टिक जॉब ऑन अ मोटरसाइकिल, सो दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। सो दीज वेर माई ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द मोटरसाइकिल, एंड जो मुझे पसंद आया मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा, जो नहीं आया वो आपको बता दिया है। इनफैक्ट पसंद ज़्यादा आया है इसमें। आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू कम विजिट द शोरूम, चेक इट आउट, फिर यू बाय इट, बिकॉज ऑब्वियसली यार एक बार आपको राइड करना ज़रूरी है। वंस यू राइड इट आपको समझ में आती है कि गाड़ी में क्या है, क्या मज़ेदार चीज़ है। सो ट्रस्ट मी, गो फॉर दैट एंड चेक द मोटरसाइकिल। सो गाइस, दिस वॉज इट विद द वीडियो, जो मेरा फीलिंग्स थे आपको मैंने बता दिया है। सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो गाइस, दिस वॉज इट विद द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद है तो बताया क्या करना होता है, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। एंड यस गाइस, दैट वॉज इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल, आई डायरेक्टेड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।